इस समाचार के प्रायोजक है राम शांति विद्या मंदिर, जो दे आपके बच्चों को सही दिशा। स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। ग्राम बालापुर में जंगली जानवरों के लिए बिछाए गए तार से किसान हरीशराम सोनपुरे 45 वर्ष को करंट लग गया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात को हरीशराम गांव की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में जंगली सुअर को मारने के लिए शिकारियों ने करंट बिछा कर रखा था, जिसकी चपेट में हरीशराम आ गया। घायल ने बताया कि करंट लगने के बाद कुछ देर के लिए बेहोशी छा गई थी और करंट के कारण शरीर के कपड़े जल गए थे, फिर भी हिम्मत जुटाकर कुछ देर बाद घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। शनिवार सुबह घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से जरूरी इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस चौकी नाननवाड़ी के प्रभारी एसआई नर्रे ने बताया कि हरीशराम पैदल बैलगाड़ी वाले रास्ते से जा रहा था, शिकारियों के बिछाए तार से उसे करंट लग गया। इस मामले की छानबीन की जा रही है, साथ ही इस बात की भी जाँच की जा रही है कि किसने यहाँ तार बिछाए थे। उन शिकारियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री कॉलोनी में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि मनोहर भाई की टोली ने कार्यक्रम संपन्न किया। उन्होंने बताया कि जीवन में सुख शांति के लिए संस्कारों का महत्व देना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में यज्ञ को साक्षी मानकर दीक्षा संस्कार, पुंसवन संस्कार, विद्यारम्भ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार एवं मुंडन संस्कार संपन्न हुए। इस अवसर पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष गणेश पद्माकर और नगर पालिका के अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में गायत्री कॉलोनी वासी और गायत्री परिवार के सदस्यों का सहयोग रहा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, संस्कारों की जननी, अब जुड़ने जा रहा है नया अध्याय। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी KG 1 to 5th, और फैसिलिटीज स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, अटल टिंकरिंग लैब, इंडोर आउटडोर गेम्स, ऑल कैंपस कवर्ड विथ सिक्योरिटी, एजुकेशनल ट्रिप, कॉन्फ्रेंस हॉल, लार्ज साइज प्लेग्राउंड, एक्टिविटी कैंपस एंड मैनी मोर। इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। स्थान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, शंकर नगर, पांडुना। सांसद नकुलनाथ ने धनोरा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम कांग्रेस कार्यकर्ता हर मोर्चे पर पूरी ताकत लगा देते हैं, खून पसीना भी एक कर देते हैं, फिर भी एक कमी हमेशा रह जाती है, वह है मुंह चलाने की। भाजपा के कार्यकर्ता मुंह बहुत चलाते हैं, शादी में जाकर पीतल की अंगूठी देकर बोलते हैं कि सोने की दी और लोग उसे सच मानते हैं। हमारा प्रचार प्रसार का तरीका बहुत कमज़ोर है, हमें मुँह चलाना सीखना होगा। कि हम कांग्रेस वाले पूरी ताकत लगा देते हैं, खून पसीना बहा देते हैं, ईमानदारी से हम मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, लेकिन एक जगह हम बहुत कमजोर हैं। हमें हमारा प्रचार प्रसार बहुत कमजोर है, हमें मुंह चलाना नहीं आता। सांसद ने कहा कि हमें कोई झूठी घोषणाएं नहीं करनी है, हमें प्रचार प्रसार का दायरा बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों और परंपरा को लोगों तक पहुंचाना होगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, विधायक नीलेश उइके, पूर्व विधायक जतन उइके, क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष रवि खापरे, सतीश सिंह ठाकुर, रामप्रसाद उइके और रामनाथ परतेती, वहीं सेवादल और युवक कांग्रेस सहित NSUI के बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। सांसद से मिलने के लिए कई गाँव वाले भी अपनी समस्या लेकर पहुँचे थे। BCN न्यूज पांडुरा को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें, और हाँ, हमारे YouTube चैनल BCN न्यूज पांडुरा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।